होते हैं। तो आइडेंटिकल सेल, जब कभी भी घाव होता है किसी व्यक्ति को, उस घाव को भरने के लिए जो सेल होती हैं वो सोमेटिक सेल कहलाती हैं या आइडेंटिकल सेल होती हैं। उस आइडेंटिकल सेल से ही क्यों नंबर ऑफ पेयर सब में इक्वल होते हैं। जो पेरेंट सेल में जो आपके क्रोमोसोम्स की संख्या है वही डॉटर सेल में होती है। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति का घाव भरता है तो उस घाव भरते समय जो सेल बनती है, जो उस जगह को भरने के लिए सेल डिवाइड करती है खुद को, तो वो सेल कैसी होती है, वो सेल होती है सोमेटिक सेल होती है, आइडेंटिकल सेल होती है। और यहाँ पर किस प्रकार का सेल डिवीजन हो रहा होगा घाव पर, यहाँ पर जो घाव पर सेल डिवीजन हो रहा होगा वो आपका माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा होगा। और माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी घाव को भरने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है, किसी भी घाव को भरने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। एक पॉइंट और